अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुश आमदी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ टिक्का बिरयानी की, चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, और चिकन की मैरिनेशन के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त, और चिकन की बोटियाँ भी मैंने ले ली हैं, और ये बड़ी बोटियाँ हैं चिकन की, ये तकरीबन 1 किलो और 750 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसी तरह से 1 कप से थोड़ा कम मेरे पास दही है जिसको मैंने फेंट लिया है, 2 लेमन जूस है मेरे पास ये, इसके अलावा 4 चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर है, और 1 टेबल स्पून बराबर से हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो ईच गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर है, और इस तरह से नमक है 1 1/2 टीस्पून। तो इस तरह से अब मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट करने के बाद तकरीबन इसे 45 मिनट्स के लिए रखना है, या 45 मिनट से जितना ज़्यादा आप रख सकें। मैं तो अभी थोड़ा टाइम इसे रखूँगी इसलिए कि मैं जल्दी इसे मैरिनेट कर रही हूँ। तो और मैं सिर्फ मसाले ये मैरिनेशन के लिए हैं, जब बिरयानी के लिए जो मसाले हैं वो अलग होंगे। तो चले आए मैरिनेट करते हैं इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, ये लेमन जूस भी मैं इसमें डाल दूंगी, और बस अब मैं इसे इसके ऊपर पहले अदरक लहसुन को अच्छी तरह से लगा लूंगी इन तमाम बोटियों पर। बोटियां मैंने थोड़ी बड़ी ली हैं, ज़ाहिर टिक्का बिरयानी है तो ये बोटियां इस साइज़ की हैं मेरे पास, ये इस तरह की बोटियां हैं, आम तौर पे जो हम सालन के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं है, उससे बड़ी बोटियाँ मैंने ली हैं। तो बस अब इसे अदरक लहसुन लगाने के साथ ही, अच्छा ये सारे मसाले इसमें जाएंगे एक साथ ही, तो मैं इसमें ये मसाले ऐड कर देती हूँ, इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे मसालों को। अच्छी तरह से ताकि इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाए, जितना अच्छी तरह से मसाले को हम इसमें मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छी होगी। अब ये सारा का सारा जो दही है, ये सारा दही इसमें ऐड कर दूंगी मैं, बिरयानी के लिए अलग से, बिरयानी के मसाले के लिए अलग से दही है और मसाले हैं, तो इसलिए ये सिर्फ मैरिनेशन में है। ये देखिए, क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो इसीलिए इसमें, और थोड़ी चटपटी बिरयानी बनेगी, ये मसाले से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत चटपटी बिरयानी बनने वाली है। ये देख, अच्छी तरह से बस इसे मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए बोटियाँ जो थोड़ी बड़ी हैं इसमें, क्योंकि टिक्का बिरयानी है, या तो इसमें हम फुल चिकन के पीसेस, बड़े पीसेस भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बहुत बड़े पीसेस भी नहीं रखे और बहुत छोटे भी नहीं रखे, मतलब ये है कि बस इस साइज में हो कि आसानी से जो है वो इसको मैं फ्राई कर सकूं। तो बस इसीलिए अब इसको मैरिनेट कर देंगे, करके रख रहे हैं, लेकिन मसाले इसमें बहुत अच्छी तरह से लग जाने चाहिए, और फिर इसे मैं तो मसालों को लगा दिया बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर, मेरे पास और है, अब मेरे हम पास एक घंटे से ज़्यादा टाइम रख है, देंगे, तो मैं इसे जितना हमारे पास टाइम होगा उस हिसाब से मैं इसे रख दूंगी। ये देखें, अब मैंने इसको मतलब मैरिनेशन के बाद निकाल लिया है, और इसे अब मैं फ्राई करूँगी। इसके लिए आप एक पैन में ऑयल ले लें और बस इसे फ्राई कर लें, दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे इसे। मैंने इसे 1 घंटे के लिए कहा था, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा टाइम के लिए इसे रखा है, और तमाम पीसेस को जो है वो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे पहले, और इसके बाद से थोड़ा सा लो फ्लेम पर भी कर देंगे ताकि अंदर से पक जाए। वैसे इतनी मैरिनेशन के बाद जो है वो चिकन बहुत आसानी से पक जाता है, तो इसमें इतना मसला नहीं होता। इसके बाद जैसे ही तमाम को हम फ्राई कर लेंगे तो हम इसमें स्मोक कर देंगे, कोयले को
थोड़ा सा जला देंगे कोयले को, और फिर उसके बाद इसमें स्मोक करेंगे ताकि अच्छा सा इसमें बारबेक्यू जो फ्लेवर है वो आ जाए। और इसके इसके साथ ही ये रेडी है हमारा। और अब हमने एक बर्तन में जो है वो एक पतीली में हमने ऑयल ले लेना है। अभी मैं थोड़ा ऑयल ले रही हूँ इसलिए कि मुझे घी का इस्तेमाल भी इसमें करना है। बिरयानी में मैं वैसे भी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जस्ट प्याज जो है वो फ्राई करने के लिए मैंने इसमें ऑयल लिया है। देखिए प्याज को गोल्डन ब्राउन जो है वो फ्राई कर लेना है, और फ्राई कर लेने के साथ ही इसमें हम जो बकिया चीज़ें हैं मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो मेरे पास चूँकि 1.5 किलो चावल हैं और 2 किलो मैंने 1.5 से 2 किलो के करीब मैंने जो है वो इसमें चिकन लिया है, मतलब 1 किलो 750 ग्राम या 800 ग्राम इस तरह से है मेरे पास चिकन क्वांटिटी में। तो बस प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, और टमाटर को ऐड करने के साथ ही इसमें दही मसाले अदरक लहसुन ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। पहले अदरक लहसुन ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए, और फिर इसके साथ ही मैं इसमें दूसरे मसाले भी ऐड करना शुरू कर दूंगी। ये सारे मसाले जो हैं वो एक साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए। बहुत आसान बनाने वाली तरकीब है ये। तो नमक और ये तमाम चीज़ें, तमाम मसाले जो मैंने वहाँ पर आपको शो किए थे वो तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दिए मैंने, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं मसाले को। और भूनने के साथ ही जो दही मेरे पास वो मैं मसाले में ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। दूसरी तरफ मैंने चावल का पानी रख दिया था, पानी बॉयल हो चुका है, जिसमें मैं सारे गरम मसाले जो मैंने साबित गरम मसाले थे वो मैंने डाल दिए, और साथ ही मैंने कुछ पुदीना के पत्ते भी डाले थे और चावल को बॉयल कर लिया था। अब मैं इसको इसकी लेयर कर दूंगी, यानी जो मसाला मैंने बनाया है वो और चावल जो मैंने बॉयल किया है वो, इसके साथ ही मैं इसकी लेयर लगा दूँगी और लेयर टू लेयर मसाला डालती जाऊँगी और चावलों को डालती जाऊँगी। ये देखें, और ये मसाले सारे लेयर्स के साथ चावल में ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद जब फाइनल लेयर हो जाए तो फिर मैं इसमें जो चिकन मैंने फ्राई किया है उस चिकन को मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, और साथ ही जो बाकी चीज़ें हैं वो भी ऐड कर दूँगी। यानी कि इसमें मैं केवड़ा जो बिरयानी एसेंस है 1 चम्मच उसको डाइल्यूट करके डालूँगी, 1 टेबल स्पून नहीं बल्कि 1 टीस्पून, और उसको डाइल्यूट करूँगी यानी पानी ऐड करूँगी और उसे उसके अंदर डाल दूँगी मिक्स करके। इसके अलावा जायफल जावित्री और इस तरह से गरम मसाले का जो पाउडर होता है वो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसके ऊपर डाल देना है। और साथ ही इसमें जो जर्दे का रंग होता है वो मैंने दूध में हल करके नहीं डाला, बल्कि मैंने डायरेक्ट इस तरह से पाउडर फॉर्म में डाल दिया है। और बस अब मैं इसे ढक्कन लगा कर दम के लिए रख दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पर रखूँगी, यानी मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा हाई, और जैसे ही स्टीम बन जाएगी तो फिर मैं इसको लो फ्लेम कर दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से इसमें दम आ जाए और बिरयानी जो है वो अच्छे से हो जाए। लेकिन मैं इसे खोलूँगी उस वक्त जब 10 से 15 मिनट हो जाएंगे, तब फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो ये लीजिए बेहतरीन सी बिरयानी, टिक्का बिरयानी तैयार है। इंजॉय कीजिए, बनाइए। अल्लाह हाफिज़।